Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you another theory of creativity, that is Taylor's theory of creativity. Prior to this, I have discussed with you theory of giftedness of creativity. So let's start. टेलर ऑन क्रिएटिविटी, टेलर साहब जिनकी हम क्रिएटिविटी की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, उन्होंने क्रिएटिविटी पे क्या कहा, कैसे वो सृजनात्मकता को देखते थे, कि द रिसर्च स्टेटेड दैट क्रिएटिविटी इज इनिशिएटेड थ्रू इनिशियल एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपोजर. उन्होंने ये माना कि क्रिएटिव होने के लिए हमको पहले एक्सपोजर मिलना जरूरी है ना, एंड इज द डिजायर फॉर एन इंडिविजुअल टू ऑल्टर देयर एनवायरमेंट इन अकॉर्डेंस विद देयर परसेप्शन ऑफ हाउ इट शुड बी. ये कह रहे हैं कि देखिए, मतलब इस तरह से इन्होंने कहा कि क्रिएटिव आदमी कैसा होता है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंट कौन होता है. हम कहते हैं इंटेलिजेंट आदमी वो है जो वातावरण के हिसाब से अपने आप को समायोजित कर ले, लेकिन क्रिएटिव वो है जो वातावरण को अपने हिसाब से समायोजित कर ले, मतलब वातावरण में चेंज कर दे, एनवायरमेंट को ऑल्टर कर दे. इज द डिजायर फॉर एन इंडिविजुअल टू ऑल्टर देयर एनवायरमेंट इन अकॉर्डेंस विद देयर परसेप्शन ऑफ हाउ इट शुड बी. उसको जैसा लगता है कि एनवायरमेंट उसके लिए जैसा होना चाहिए, उस तरीके का एनवायरमेंट अगर वो अपने लिए कर लेता है, ये क्रिएटिविटी की पहचान है और इसकी शुरुआत एक्सपोजर से होती है. एट द रूट ऑफ क्रिएटिविटी इज अ टेंशन और रेस्टलेसनेस that is created because of the disparity between the personal perception of how the environment should be and how it actually is. मतलब वो कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी की जड़ में क्या है, एक टेंशन है, एक रेस्टलेसनेस, एक 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 बेचैनी है. वो कह रहे हैं बेचैनी क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि पर्सनल परसेप्शन तो उसका एनवायरनमेंट का ऐसा है कि ऐसा होना चाहिए, गर्मी लग रही है तो एसी चलते रहना चाहिए, कमरे में शांति होनी चाहिए, इस तरीके का, लेकिन एनवायरनमेंट उसको उस तरीके का मिला नहीं है. तो उस एनवायरनमेंट को वो अपने हिसाब से बदल लेने की जो टेंशन और रेस्टलेसनेस है, वो क्रिएटिविटी के जड़ में है. Altering the external environment to correspond with the inner world of perception can be described as a transactional basis for creativity. ये कह रहे हैं कि बाहरी वातावरण को अपने इनर वर्ल्ड, जो हमने जिस जो अंदर हम जैसा महसूस कर रहे हैं कि संसार हमारा जैसा होना चाहिए, इनर वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन के हिसाब से उसको ऑल्टर कर लेना ही क्रिएटिविटी का ट्रांजैक्शनल बेसिस है. तो ये इन्होंने फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी बताया जो कि बहुत पॉपुलर है एक नया याद करने के लिए, और ये कुछ नहीं तो शॉर्ट नोट्स में ही पूछ लिया जाएगा कि टेलर्स फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी क्या हैं. तो ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो जरूरत है एक्सप्रेसिव, या आप कह सकते हैं लोएस्ट लेवल की है एक्सप्रेसिव. ये एक्सप्रेसिव दिख रहा है कि नहीं, एक्सप्रेसिव, फिर प्रोडक्टिव, फिर इन्वेंटिव, फिर इनोवेटिव, और सबसे ऊपर जो है वो इमरजेंटिव है. देखिए इमरजेंट से बना है, इमर्जेंटिव है ना. तो एक्सप्रेसिव, प्रोडक्टिव, इन्वेंटिव, इनोवेटिव और इमर्जेंटिव, ये इनके फॉर्म्स हैं क्रिएटिविटी के. ओहो, अब वन बाय वन देख लेते हैं. तो सबसे पहले क्या था, एक्सप्रेसिव था ना, तो एक्सप्रेसिव स्पॉन्टेनिटी. वो कह रहे हैं कि ये द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ क्रिएटिव बिहेवियर है, कि हम एक्सप्रेसिव तो हों, द बिहेवियर इटसेल्फ इज कंसिडर्ड क्रिएटिव, एग्जाम्पल विद द स्पॉन्टेनियस स्पीच ऑफ ए लीडर. यानी कि लीडर जो होता है, जो क्रिएटिव है, वो अगर मंच पे आया तो वो स्पॉन्टेनियस है, धारा प्रवाह बोलता जाएगा. फ्रीडम टू क्रिएट विदाउट ट्रेनिंग मे रिजल्ट इन प्रोडक्ट्स दैट आर क्रिएटिव व्हेन द पर्सन इन क्वेश्चन हैज अ ग्रेट डील ऑफ टैलेंट. ये कह रहे हैं कि फ्रीडम टू क्रिएट, मतलब कि उसको कुछ उत्पन्न उत्पादन करने की अगर फ्रीडम है, और वो विदाउट ट्रेनिंग अगर ऐसे प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब कि वो क्रिएटिव है. तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट और फंडामेंटल बिहेवियर क्रिएटिविटी का क्या है, एक्सप्रेसिव स्पॉन्टेनिटी. दूसरे नंबर पे ये हायरार्की है ना, उन्होंने कहा एक्सप्रेसिव सबसे पहले आएगा, फिर प्रोडक्टिव, फिर इन्वेंटिव, फिर इनोवेटिव, और सबसे ऊपर इमर्जेंटिव. तो प्रोडक्टिव स्किल के लिए कह रहे हैं कि व्हेन द स्पॉन्टेनियस एक्ट्स ऑफ चिल्ड्रन और एडल्ट्स आर पॉलिश्ड थ्रू ट्रेनिंग और एजुकेशन, द नेचुरल बिहेवियर बिकम्स इनहिबिटेड, बट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्टिव स्किल. वो कह रहे हैं कि मतलब स्पॉन्टेनियसली अपने आप स्वतः विदाउट एनी ट्रेनिंग आप कुछ एक्सप्रेशन बढ़िया कर रहे हैं तो क्रिएटिव है ही, लेकिन अगर स्पॉन्टेनियस एक्ट को हम थोड़ा पॉलिश कर दें, थोड़ा ट्रेनिंग दे दी जाए, थोड़ी स्किल आपको दे दें, थोड़ा एजुकेशन दे दें, तो नेचुरल बिहेवियर तो इनहिबिट हो जाएगा, थोड़ा रुकेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक बढ़िया इनोवेटिव क्रिएटिव प्रोडक्ट होगा. तो ये हो गया प्रोडक्टिव स्किल. तीसरे नंबर पे कह रहे हैं कि इन्वेंटिव इंजेन्युइटी, व्हेन ए पर्सन एक्सीड्स, जब पर्सन इसके भी ऊपर निकल आए, किसके ऊपर, स्किल्स, मतलब जो सिखाया गया सिर्फ उतना नहीं, एंड कैन मैनिपुलेट कॉन्क्रीट एलिमेंट्स इन द एनवायरनमेंट इन्वेंटिवली बाय डिस्कवरिंग एंड कंबाइनिंग एनवायरमेंटल पार्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, द फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इन्वेंटिव इंजेन्युइटी. एक्सप्रेसिव स्पॉन्टेनिटी क्या है,
कि हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमने ट्रेनिंग नहीं ली है। अगर ट्रेनिंग के बाद हम कोई बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो प्रोडक्टिव स्किल है। अगर ट्रेनिंग को भी, मतलब ट्रेनिंग में जितना सिखाया गया उससे हम कहीं आगे निकल जा रहे हैं, एक्सीड कर जा रहे हैं, उसमें मैनिपुलेशन कर दे रहे हैं और कुछ नया डिस्कवर कर दे रहे हैं, इन्वेंट कर दे रहे हैं, तो वो इन्वेंटिव इंजेन्युटी है। और उसके बाद ये बार बार कैसे बीच बीच में खाली हो गया। फिर इनोवेटिव फ्लेक्सिबिलिटी, जब डीलिंग विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज दैट डू नॉट रिजल्ट इन ए कॉन्क्रीट प्रोडक्ट इज द प्रोविंस ऑफ हायर फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी इन्वॉल्विंग आइडिएशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनैलिटी रिजल्टिंग इन वेरी सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द एनवायरमेंट। वन ऑफ दीज फॉर्म्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इनोवेटिव फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्विंग रेलिवेंट एंड यूनिक वेरिएशंस, मॉडिफिकेशंस एंड अडेप्टेशंस ऑफ ए यूनिक आइडिया इनटू एन इंडिपेंडेंट क्रिएटिव आउटकम। इनोवेटिव फ्लेक्सिबिलिटी का इनोवेशन का मतलब ही नवाचार होता है, और फ्लेक्सिबल होना तो क्रिएटिविटी की पहचान है। तो कह रहे हैं कि डीलिंग विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमेशा से कॉन्क्रीट थिंकिंग से ऊपर मानी जाती है, तो डीलिंग विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज दैट डू नॉट रिजल्ट इन ए कॉन्क्रीट प्रोडक्ट इज द प्रोविंस ऑफ हायर फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी। यानी कि ये कह रहे हैं कि कॉन्क्रीट कुछ बनाने से ज्यादा बढ़िया, ज्यादा ऊंचे स्तर की क्रिएटिविटी है अगर आप एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के साथ डील करें। आइडिएशनल फ्लेक्सिबिलिटी, कहते हैं ना कि आइडिया का जमाना है, आइडिया से लोग अरबपति बन जा रहे हैं, आइडिया के स्टार्टअप की बात है, क्योंकि आइडिया मेन है। क्रिएट कॉन्क्रीट चीजें तो बन ही जाएंगी। इन्वॉल्विंग आइडिएशनल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कितनी तेजी से, फ्लेक्सिबिलिटी से आइडिया आपके में आ रहे हैं, जा रहे हैं, एंड ए ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनैलिटी, और वो ओरिजिन भी ओरिजिनल भी हो, है ना, नवीन हो, नूतन हो, रिजल्टिंग इन वेरी सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनवायरमेंट। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम एनवायरमेंट में बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस कर सकते हैं। तो इसको ये कह रहे हैं इनोवेटिव फ्लेक्सिबिलिटी का नाम दिया। और उच्चतम स्तर की जो है वो है इमर्जेंटिव ओरिजिनैलिटी। कह रहे हैं द मोस्ट ओरिजिनल आइडियाज फ्रॉम विच इनोवेटर्स डिराइव देयर क्रिएशंस आर मैक्सिमली एब्स्ट्रैक्ट एंड अनअप्लाइड एंड कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज इमर्जेंटिव ओरिजिनैलिटी। एन ओरिजिनल आइडिया इज मोस्ट डिफिकल्ट टू क्रिएट सिंस इट डिराइव्स मोस्ट फुल्ली फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ पर्सनल परसेप्शन। कह रहे हैं कि सबसे ओरिजिनल आइडिया आप निकाल के दे दे रहे हैं अगर, है ना, और वो कोई किसी ने उस पर काम नहीं किया है, वो अनअप्लाइड है, तो आप उसको इमर्जेंटिव ओरिजिनैलिटी कहेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि एक ओरिजिनल आइडिया का निर्माण करने, एक ओरिजिनल आइडिया देना सबसे ज्यादा मुश्किल है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर उसके बाद हर बार कैसे खाली कर दिया है मैंने, पता नहीं कैसे स्लाइड बनी है। फिर बोल रहे हैं क्रिएटिव प्रोसेस। तो क्रिएटिव प्रोसेस मतलब किसको बोलते हैं, किस किन चरणों से होकर क्रिएटिविटी का प्रोसेस गुजरता है। तो जैसा कि पहले शब्द में, पहली लाइन में बोला गया था कि एक्सपोजर सबसे ज्यादा जरूरी है। एक्सपोजर, हमको एक्सपोजर होना चाहिए, हम चीजों के बारे में जानते हों एटलीस्ट। तो ये इनिशियल फेज है, इसमें हम इन्वायरमेंट को परसीव करते हैं कि अच्छा। और क्रिएटिविटी की जड़ में क्या है कि इन्वायरमेंट वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं, तो ये टेंशन क्रिएट हुई है और हम उस टेंशन को दूर करने के लिए इन्वायरमेंट बदलना चाहते हैं, है ना। तो इन्वायरमेंट आपके इर्द गिर्द का कोई भी चीज हो सकती है ना। इन्वायरमेंट इज परसीव विच इनिशिएट्स द प्रोसेस। तो प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, एक्सपोजर से, यानी कि हमको स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देना चाहिए। फिर इम्प्लोजन। इम्प्लोजन क्या है कि कोई चीज है, कोई टेंशन है, कोई बात समझ में आ गई आपको कि ये दिक्कत है, इसको सही करना है, तो वो आपके अंदर मतलब वो चलता रहेगा, वो विस्फोट होगा आपके अंदर कि हमको ये ठीक करना है। फिर तब आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इनसाइट और परसेप्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन अकर्स। उसके बाद एक्सप्लोजन होगा, मतलब अभी तो आपने सिर्फ एक्सपोजर करके परसीव किया एनवायरनमेंट को, फिर वो इम्प्लोजन हुआ, आपके दिमाग में चल रहा है, आपको उसका उत्तर ढूंढना है, चाहना है, कैसे 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 करना है, फिर आपने ट्रांसफॉर्म किया और तब आप एक्सप्लोर करेंगे, मतलब एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ ये चीज हमको समझ में आ गई, अभी ऐसे ऐसे होनी है। इन्वॉल्व्स एक्सप्रेशन, रिलीज एंड फॉर्मुलेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन हो जाएगा, कम्युनिकेट करेंगे आप, इम्प्लीमेंट करेंगे जो आपने सोचा है, और एक्चुअली एक्चुअलाइजेशन मतलब कि वो चीज जो बदलनी है वो बदल दी जाएगी। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस के स्टेप्स भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप हैं। तो एक्सपोजर, इम्प्लोजन, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लोजन और प्रोडक्शन। फिर पूछ सकते हैं कि बीच का कौन सा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन बीच का है, लास्ट कौन सा है, लीस्ट कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, बहुत तरीके के सवाल बन सकते हैं। हे प्रभु, ये मैंने हर बार किया है। क्राइटेरिया ऑफ क्रिएटिविटी, आई डोंट नो कि वो कैसे एक स्लाइड हर बार खाली चली गई है। तो क्राइटेरिया ऑफ क्रिएटिविटी में क्या है कि किस मतलब क्या मापदंड है क्रिएटिविटी का टेलर के हिसाब से, टेलर जी के हिसाब से। तो
emphasizing the product as criteria, or more specifically, the attribute of the product may include complexity, asymmetry, uncommonness, frequency, relevancy, relatedness, uniqueness, novelty, originality, integration, alteration, flexibility. देख रहे? Emphasizing the product as criteria. वो कह रहे हैं कि जो निकल के आया है चीज, जो जो उत्पाद बना है, जो आपने निर्माण किया है, अगर हम उसके हिसाब से क्राइटेरिया देखें तो क्या होना चाहिए प्रोडक्ट में, वो कॉम्प्लेक्स हो, कुछ उसमें कॉम्प्लेक्सिटी हो, एसिमेट्री हो, कुछ ऐसा जो सिमेट्रिकल बात तो सब करते हैं, आप कुछ एसिमेट्रिकल बनाइए, अनकॉमननेस अलग हो, विशिष्ट हो, फ्रीक्वेंसी उसमें हो, रेलेवेंट हो, ये आज के जमाने में पुरातन काल का कोई चीज कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी रेलेवेंसी नहीं है, रिलेटेडनेस हो, यूनिकनेस हो, नॉवेल हो, ओरिजिनल हो, ऑल्ट्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे क्राइटेरिया हम देखेंगे अगर आपने कुछ उत्पाद बनाया है तो, कुछ उत्पन्न किया है तो. और अगर प्रोसेस देखें कि क्रिएटिविटी के प्रोसेस में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वो होना चाहिए रिमोट एसोसिएशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एडेप्टिवनेस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा. ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, बस ऐसे ही आप जानिए कि जो क्राइटेरिया है क्रिएटिविटी का, वो दो तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट, अगर हम देख रहे हैं कि क्रिएटिविटी में प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो प्रोडक्ट में क्या मापदंड होने चाहिए, अगर क्रिएटिविटी को देख रहे हैं कि क्रिएटिविटी एक क्रिएटिव प्रोसेस की तरीके से है तो उसमें क्या होना चाहिए. तो हो गया, आई थिंक हर बार मैंने ये किया है, ये कुछ हो गया है, मैं डुप्लीकेट स्लाइड करती गई और आई डोंट नो कि ये क्रम कैसे सतत विद्यमान है सब में, आई डोंट नो ये हाउ इट हैज हैपेंड. सो अगर हम implications for education देखें कि शैक्षिक निहितार्थ क्या है टेलर साहब की क्रिएटिविटी की थ्योरी का, ये आई वी टेलर नाम है इनका शायद, है ना. The implications for education are that the curricula and school environment should be so developed as to enable each person to reorganize a significant portion of his environment compatible with the school system. क्योंकि देखिए, हमको पता चल गया कि क्रिएटिविटी जरूरी है और क्रिएटिविटी के लिए एक्सपोजर जरूरी है, तो उस तरह से हम बच्चों को अगर क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो हमारा करिकुलम, हमारा स्कूल का एनवायरनमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि विद्यार्थी जो है वो एनवायरनमेंट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को रीऑर्गेनाइज करे, रिकॉग्नाइज करे, एक्सपोजर हो उसके सामने. फिर इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल मटेरियल्स इन ए ट्यूटोरियल और ऑन इंडिविजुअल बेसिस विच अलाउ फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पेसिंग. देखिए, क्रिएटिविटी तभी आ सकती है, हम क्रिएटिव तभी हो सकते हैं जब हम अपनी इंडिविजुअलिटी ना खोएं. जब सबको एक ही तरीके के नियम तराजू में तौल दिया जाता है तो अपने आप क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है. तो फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट बी द की फैक्टर. हमको मटेरियल को फ्लेक्सिबल तरीके से पेश करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन को फ्लेक्सिबिलिटी के संग देना चाहिए कि आप अपना इंडिविजुअल सेल्फ उसमें विद्यमान रहे. तो ये बात है. फिर परसीविंग ईच स्टूडेंट इज केपेबल ऑफ एक्चुअलाइजिंग हिज पोटेंशियल विच रिक्वायर्स ओनली इग्निशन इन ए फ्री एनवायरनमेंट रादर देन एज एन एम्प्टी बॉक्स नीडिंग to be filled by instruction. जो भी ये चाहता है कि उसके students creative बने, उसको student को एक free environment देना होगा. जब तक आप free नहीं छोड़ेंगे तब तक वो कुछ नया नहीं करेगा, पहली बात. दूसरी बात, हमको ये नहीं मानना चाहिए कि विद्यार्थी जो है खाली बक्से के रूप में हमको मिला और हमको उसमें instruction पे instruction डालते जाने. नहीं, हमको उसको free environment देना चाहिए अगर हम उसे creative बनाना चाहते हैं तो. और एजुकेटर्स मस्ट रिकॉग्नाइज एंड इनकरेज न्यू एंड यूनिक एक्सप्रेशंस. मतलब अगर कोई कोई नई बात कर रहा है तो आप उसको प्रमोट कीजिए, आप उसको एनकरेज कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी प्रेरित हों उस दिशा में, नई दिशा में कुछ अलग सोचने के लिए, एटलीस्ट सोचें. फिर ईच टाइप ऑफ क्रिएटिव स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद सूटेबल मटेरियल्स. Career guidance and fields of endeavor should be selected in accordance with the various creative levels. And the most direct implication for education is that materials must be presented in a manner that conforms to the process. तो ये जो लेवल, ये यहाँ जो वेरियस क्रिएटिव लेवल की बात हुई है, वही लेवल है. कौन कौन से? एक्सप्रेसिव, प्रोडक्टिव, फिर आपका इन्वेंटिव, इनोवेटिव और इमर्जेंटिव, यही लेवल हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए कि विद्यार्थी कौन से लेवल पे है या उसने किस लेवल की क्रिएटिविटी के जैसा काम किया, तो आप उसको वैसा ही मटेरियल प्रोवाइड करेंगे. तो मतलब फ्री एनवायरनमेंट दीजिए, फ्लेक्सिबल दीजिए, एक्सपोजर कराइए एनवायरनमेंट से, तो क्रिएटिविटी आप इनकलकेट कर सकते हैं. हम टीचर्स अपने स्टूडेंट्स में इनकलकेट कर सकते हैं. अब देखते हैं अगली स्लाइड खाली है कि नहीं. तो ये छोटा सा है, लेकिन अब क्योंकि थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी की बात हम लोगों ने नहीं की थी, अभी हम लोगों ने पहले बात की कि थ्री लेवल, थ्री रिंग थ्योरी ऑफ मॉडल, थ्री रिंग थ्योरी ऑफ गिफ्टेडनेस, यानी कि थ्योरी ऑफ गिफ्टेडनेस ऑफ क्रिएटिविटी की. फिर उसमें था कि
वेल अबव एवरेज एबिलिटी, टास्क कमिटमेंट और क्रिएटिविटी चाहिए गिफ्टेडनेस होने के लिए। ये थेरी फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी की बात कर रही है, लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी की बात कर रही है कि इस लेवल से इस लेवल और उसके बाद करके इमर्जेंटिव लेवल पे स्टूडेंट पहुंच सकता है। और सबसे खास बात जो इन्होंने कही वो ये कह रहे हैं कि क्रिएटिव आदमी वो है जो अपने वातावरण को अपने हिसाब से ढाल ले। तो क्योंकि जो वातावरण वो चाह रहा है जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं, इसलिए उसके दिमाग में वो टेंशन और रेस्टलेसनेस चल रही है और वो चाह रहा है कि उसको बदल दे, और अंततः वो उसको बदल लेता है अगर वो क्रिएटिव है तो। ओके, सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड अनदर थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।